अब हम रवाना हो रहे हैं अपर चतराल यानी बूनी वाले साइड पे, और बूनी से आगे फिर मस्तोज और फिर शंदूर, और ये रूट सीधा गलगित को जाके पंडर के मुकाम से गोबेक्स इस तरह। तो ये सोरा, ये अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ, ये अगर आप देखें तो ये रूट है इनका। चलते हैं आगे कि आपको आज अपर चतराल का सैर कराते हैं। पहले ये एक चतराल हुआ करता था, अब दो चतराल हो गए, तो इस वक्त हम लोअर चतराल में हैं। रास्ता कैसा है, इस मौसम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सब आपको बता देंगे। मेरे साथ रहे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं चतराल में मौजूद हूं, लोअर चतराल में मौजूद हूं, और आज मैंने आपको ले जाना है अपर चतराल यानी बूनी मस्तोज और संदूर वैली की तरफ। ये सीधा रूट जाता है एयरपोर्ट को, साथ एयरपोर्ट भी है, और इसके साथ ये वाला जो रूट है ये सीधा जाता है बूनी अपर चतराल संदूर गलगित। यहाँ से बाकायदा नेट को बस की सर्विस भी है, लेकिन इन दिनों में चूँकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है शंदूर पास पे, तो मेरा ख़्याल है कि हम इसको चेक करेंगे कि रास्ता खुला है या बंद है। जहाँ तक खुला होगा इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे। तो आज मेरे साथ रहे, आज आपको दिखाते हैं अपर चतराल। ये तामीराती काम सड़क पर जारी है, और रोड को पुख्ता भी किया जा रहा है और चौड़ा भी किया जा रहा है, और पुश्ते भी तामीर की जा रही है। तो ये एक अच्छी इकदाम है अपर चतराल के लिए, यहाँ के आवाम के लिए। इससे न सिर्फ मुकामी लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, बल्कि सयाहों को और नए सियाहती मकामात जो है ना वो जो है ना मिलेंगे। रास्ते में कई आबशार आपका इस्तकबाल करेंगे। ये एक खुशाइन बात है, वक्ती मुश्किलात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर अगर ये हल हो जाए तो अपर चतराल वालों के मज़े हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये मिट्टी बिल्कुल रेड है, ये जो कुछ शाख है, कुछ इस तरह के एरियाज है इसमें, कि ये बिल्कुल रेड मिट्टी है, और कलर जो है ना बिल्कुल चेंज है। यहाँ जो पानी बहता है वो भी मतलब आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट करना था कि ये इस एरिया में बिल्कुल मुख्तलिफ कलर है, बाकी मिटियाला कलर है और ये बिल्कुल रेड कलर है। तो रेड मिट्टी को आप देखें और मैं भी देख रहा हूँ। तो हम बूनी की बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर रास्ता मज़ीद बाकी है। साथ रहे।
दरिया के बीच, मतलब जो खाली जगह है वहाँ पर मतलब झीलें बना दी है, ताकि यहाँ जो ग्रीनरी है, जो खूबसूरती है, और परिंदे भी मतलब इससे मुस्तफीद होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि दरिया स्वात के साथ भी इस किस्म का जो है ना, जगह जगह पर छोटे छोटे डैम और छोटे छोटे या जो इस किस्म की झीलें हैं वो बनानी चाहिए, ताकि पानी जगह जगह पर रुके और वो पथरीले पहाड़ के बजाय हर जगह पर पानी हो, तो इससे हरियाली भी होगी और खूबसूरती में इजाफा भी होगा। हम बुनी पहुंच गए हैं, ये बुनी चेक पोस्ट है, आगे मस्तोज और शंदूर के लिए है और ये अंदरूनी बुनी के लिए है। तो अब हम आपको दिखाते हैं बुनी अंदरून शहर, आपको दिखाते हैं। बुनी में बाज़ार में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, क्या नज़ारा है, लेकिन दुकानें तमाम बंद है। अगर आपने रात को शॉपिंग करनी हो तो मखसूस दुकानें जो है ना वो खुली होगी, बाकी मामलात जो है ना इस तरह ही है। तो चलो एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय कर देता हूँ। वाओ, वस पसकूं। बुनी रात को बर्फबारी हुई, पौधों ने सफेद चादर उड़ ली है, सूरज तुलू हुआ है, लेकिन सूरज में पावर नहीं है। नाज़रीन, बुनी में मैं पहुंच चुका हूं, रात हमने यहीं पर गुजारी है और रात काफ़ी सर्द थी, बर्फ़बारी भी हो रही थी। अब सूरज तुलू हो गया है, मौसम इंतहाई खुशगवार है और हर तरफ सफेदी छा गई है। यहाँ हमारे साथ एक सिटीजन मौजूद है, यहाँ से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है सर और आप क्या करते हैं? गुल हयात एडवोकेट। अच्छा, गुल हयात एडवोकेट, ठीक है सर। अब बताएं, बुनी में अगर कोई सयाह आते हैं, कोई यहाँ आना चाहते हैं, तो वो यहाँ क्या देखे, क्या करें? वो बुनी में देखने की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा,
लेकिन मसला है यहाँ पर रस्ल रसाई ट्रैफिक का मसला है। ठीक है, वरना ये सवाद से मलम जबा से हजारा के किसी भी इलाके से पीछे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखने की चीज़ें यूनिक है। ठीक है, यहाँ से बुनी में खास करके आप सबसे अहम चीज़ जो है सर, यहाँ से आप तरिजमेर की चोटी को भी देख सकते हैं। आप बुनी गोल में वादी के अंदर जाए, इसमें बहुत से अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं। तो कालश तो है ही। हाँ हाँ, और ये कालश जो है ये मलम जबा से 100 गुना बेहतर है। ये विंटर उसके लिए जो फेस्टिवल होते हैं, अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वो किया है। और मैं समझता हूँ कि पीस है, अमन है, ये अमन भी है, कहाँ भी नहीं है। सर एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, चाहे वो मरी हो चाहे वो मलम जबा हो, मतलब पूरा वो हर किसी सब जगह अच्छे हैं, सब जगह अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुश्किलात है, उसको दूर करने की जरूरत है। हाकलिस्ट मैंने कल देखा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। लेकिन अभी कमिश्नर मलक्कन डिवीजन जहीरुल इस्लाम ने यहाँ पर ऐलान किया कि इसके लिए हम की जो स्लोप है क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी तो दूसरा जो है ना वो बना रहे हैं, अच्छे जगह है ना स्लोप के लिए बहुत। बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। और इस तरह तोरको वैली है, लसपुर वैली है, सही उन्हीं उनका सेंटर बनता है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। संदूर तो सबको पता है, संदूर तो पता है। बिल्कुल, ऐसे मसाइल के हवाले से भी बताए कि अपर चतराल जिला बन गया है तो आप लोगों को कुछ रिलीफ मिला है? रिलीफ तो इस तरह मिला है कि तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पर आए हैं, लेकिन सब प्राइवेट जो है सर, उनके पास कोई सरकारी वो नहीं है। अच्छा, प्राइवेट मकानों में, और हमारे जज साहिबान भी जो है प्राइवेट मकानों में रहते हैं, सेशन जज, सिविल जज साहिबान ये भी हैं। ठीक है, तो मसाइल तो है हर जगह, जो नया डेवलप होता है तो उसमें मसाइल तो होते हैं, रेजिडेंस के मसाइल है, ट्रैफिक के मसाइल है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह की इंशाल्लाह सड़कों के हवाले से पता है, सड़क पर काम भी हो रहा है मेरा ख्याल है। अभी तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है सर, इसकी मेहरबानी है कि उन्होंने NHA को जो है यहाँ पर जो है सर प्रैक्टिकली ग्राउंड जो है काम हो रहा है। गुड, तो हमारे तवक्कुआत जो है सर मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, हमारे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाबस्ता है। अच्छा, अच्छा, अगर ये गिरानी है, गिरान महंगाई की वजह से मुश्किलात है, लेकिन वो इस पर भी अल्लाह मेरा ख्याल में कि तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में महंगाई बिल्कुल, वो कोरोना की वजह से है। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सीधा रास्ता मस्तोज और शंदूर को जाता है। ये बर्फ है, इस तरह लग रहा है कि पूल हो, लेकिन ये पूल नहीं है। ये अगर आप देखें तो लकड़ी का ब्रिज, बर्फबारी के बाद के मनाजिर। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन ब्रिज है, लकड़ी और लोहा, लोहे का ब्रिज तो ठीक है। अब्दुल्ला नीचे गिरने वाला था, ये देखिए, अगर इसमें पाँव आ जाए तो फिर आप नीचे गिर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इनको ठीक करना चाहिए। बर्फबारी भी हुई है, दरिया अगर आप देखें, और सफ़ेद चादर उड़े पहाड़ अगर आप देखें, अल्लाह की कुदरत देखो, यहाँ पर सूरज लग रहा है तो बिल्कुल ये इस पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन
वो सामने वाले बर्फ पहाड़ अगर आप देखें तो वो बर्फ से बिल्कुल ढके हैं। तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय कर देता हूँ। ये तकरीबन सड़क किनारे से कोई 100 या 200 मीटर के फासले पर है। आप ये जो गर्ल्स कॉलेज है इसके साथ ही है, वाक़ है, और आपने यहाँ पर अगर आए तो आप इंजॉय कर सकते हैं, टाइम आपके जीवन में बेहतर गुजरेगा। इसमें ये है कि आप अगर पिकनिक मनाते हैं तो ये भी एक अच्छी जगह है।